बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम सुनते ही हमारे जीवन में कैरोलस लिनियस का ख्याल आता है, साथ ही टैक्सोनॉमी के क्षेत्र में उनका योगदान, लैटिन लैंग्वेज, आईसीबीएन, आईसीजेडएन और जीवों के जीनस और स्पीसीज पर आधारित नाम हमारे आंखों के सामने आने लगता है। साथ ही हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न उभरने लगते हैं, जैसे कि कैरोलस लिनियस कौन थे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लेकर लिनियस लकी कैसे थे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों लिखा जाता है और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे, तो जुड़िए इस चैनल से और पढ़िए विज्ञान के अलग अलग टॉपिक हमारे साथ। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैरोलस लिनियस कौन थे। कैरोलस लिनियस स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे, जिन्होंने बायोलॉजी के क्षेत्र में, बॉटनी के क्षेत्र में, जूलॉजी के क्षेत्र में और टैक्सोनॉमी के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये स्वीडन के रहने वाले थे और ये उपसला यूनिवर्सिटी में नेचुरल हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे थे। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि इनका महत्वपूर्ण योगदान टैक्सोनॉमी के क्षेत्र में रहा है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहा जाता है और इनका जन्म 1707 ईस्वी में हुआ था, स्वीडन में ही हुआ था। इनका डेथ 1778 में हुआ था, स्वीडन में ही इनका डेथ हुआ था। कैरोलस लिनियस के इतने इंफॉर्मेशन से कई प्रश्न बन जाते हैं। एक प्रश्न को हमने यहाँ पर रखा है, लिनियस इज नोन एज डैश, और आपके ऑप्शंस है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, डेवलपर ऑफ स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड ऑल ऑफ द एबव। आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ बताया था कि कैरोलस लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी थे। तो यहाँ पर जो दो ऑप्शंस है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, वो सही होगा। और जब दो ऑप्शन सही है तो निश्चय ही इसका सही आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा और तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी कि कैरोलस लिनियस स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के डेवलपर भी रहे हैं, जिसको कि हम लोग आगे देखेंगे। आइए अब हम लोग कार्ल वॉन लीन या कैरोलस लिनियस के मुख्य कंट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। वैसे कैरोलस लिनियस के कई कंट्रीब्यूशन हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से टैक्सोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जो कि उन्होंने टैक्सोनॉमी के फील्ड में अपना योगदान दिया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज की, यानी कि लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था। वास्तव में आज यह कंसेप्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन इसने आगे के मार्ग को ओपन किया और बाद में डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज आया, जिसको कि लैमार्क ने दिया था। उसके बाद बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज आया, जिसको कि अर्नस्ट मेयर ने दिया था। इन सब की चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी हम स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज पर ही फोकस करते हैं। लिनियस ने स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज में यह कंसीडर किया था कि स्पीसीज फिक्स्ड और इम्यूटेबल एंटिटी होता है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज भी कहा जाता है। अगले कंट्रीब्यूशन की ओर चलते हैं। दूसरा कंट्रीब्यूशन है हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज हायरार्की ऑफ कैटेगरीज। तीसरा कंट्रीब्यूशन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। वास्तव में कैस्पर बोहिन ने पहले ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन लिनियस लकी थे कि उनके द्वारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पॉपुलराइज्ड हुआ। सिस्टेमा नेचुरी को 1735 में कैरोलस लिनियस ने लिखा था, यह एक बुक था जिसको कि कैरोलस लिनियस ने एनिमल स्पीसीज के ऊपर लिखा था और लगभग 4326 एनिमल स्पीसीज का वर्णन उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी में किया था। जेनेरा प्लांटेरम 1737 में उन्होंने लिखा था और इसमें सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर उन्होंने जोर दिया था। आप जानते हैं, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर लिनियस ने प्लांट्स को ग्रुपिंग करने का प्रयास किया था और इस बुक में उन्होंने फ्लावर के स्टैमेन और पिस्टिल की संख्या के अनुसार पौधों को क्लासिफाई करने की कोशिश किया था। लिनियस का अगला कंट्रीब्यूशन है फिलोसोफिया बोटेनिका,
यह भी एक बुक है जिसको कि लिनियस ने 1751 में लिखा था, और इसी में लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्क्राइब किया था, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बहुत अच्छे ढंग से फिलोसोफिया बोटेनिका में बताया गया है। अगला कंट्रीब्यूशन जो था वो था स्पीसीज प्लांटेरम, और स्पीसीज प्लांटेरम भी एक बुक है जो कि कैरोलस लिनियस ने 1753 में लिखा था, और इसमें उन्होंने 5900 प्लांट स्पीसीज का जिक्र किया था। एक्चुअली लिनियस ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं जिनमें ये चार बुक काफी चर्चित रहे हैं। इसमें से भी दो बुक्स स्पीसीज प्लांटेरम और 10th एडिशन ऑफ सिस्टेमा नेचुरी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए काफी महत्वपूर्ण बुक रहा है। सिस्टेमा नेचुरी में एनिमल के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, जबकि स्पीसीज प्लांटेरम में प्लांट्स के नोमेनक्लेचर को काफी विस्तार से वर्णन किया गया है। लिनियस के द्वारा किए गए मैक्सिमम टैक्सोनॉमिक वर्ग आज के समय में वाइडली एक्सेप्टेड है, खास करके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की। ये ज्यादा ही वाइडली एक्सेप्टेड वर्क है लिनियस के, और जिसके कारण कैरोलस लिनियस काफी चर्चित रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कैरोलस लिनियस वास्तव में काफी लकी थे कि उन्होंने जो भी काम किया वो लगभग जनता में वाइडली एक्सेप्टेड रहा है। चलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स को देख लेते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से पहले नोमेनक्लेचर का सिस्टम काफी जटिल था। शुरू में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर नोमेनक्लेचर किया गया। पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर भी आया जो काफी जटिल था। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी उतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन 1753 में जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आया तब जाकर एक क्लियर सिस्टम आया नोमेनक्लेचर का, जो आज भी सर्वमान्य है। यह सिस्टम मुख्य रूप से जीनस और स्पीसीज पर आधारित है। संसार भर में किसी जीव को एक ही नाम से संबोधित किया जा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए 1961 में ICBN और ICJN इन दोनों की स्थापना किया गया, और इसके अंतर्गत नोमेनक्लेचर के कुछ रूल बनाए गए जो जीनस और स्पीसीज पर आधारित है। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इसका फुल फॉर्म होता है, और ICJN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर को आजकल इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स कहा जाने लगा है, यानी कि ICBN के नाम को चेंज करके ICN कर दिया गया है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का पूरा काम ICBN एंड ICJN के ही जिम्मे होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि कौन कौन सा रूल है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए। सबसे पहले जो रूल है, जो रूल नंबर वन हम कह सकते हैं, द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल कंटेन जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम, या कह सकते हैं जेनेरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट। एपिथेट का मतलब ऐसे वर्ड से है या एडजेक्टिव से है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के प्रॉपर्टीज को जीनस एंड स्पीसीज के रेस्पेक्ट में डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल होमो सैपियंस, यहाँ आप देख रहे हैं होमो जेनेरिक नेम है और सैपियंस है वो स्पीसीज नेम या स्पेसिफिक नेम को संबोधित करता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का दूसरा रूल है, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी रिटेन इन कैपिटल लेटर व्हाइल ऑल लेटर ऑफ स्पीसीज शुड बी रिटेन इन स्मॉल लेटर आफ्टर जीनस नेम। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये राइस का साइंटिफिक नेम है जिसमें कि ओराइजा जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ओ है वो कैपिटल लेटर में लिखा गया है, जबकि जो सेटाइवा है जो कि एक स्पीसीज को डिनोट करता है, ये पूरी लेटर जो है इसका स्मॉल लेटर में लिखा गया है। तो ये राइस का साइंटिफिक नेम है ओराइजा सेटाइवा। तीसरा रूल है, जीनस एंड स्पीसीज नेम ऑलवेज रिटेन इन इटैलिक्स व्हेन प्रिंटेड बाय पब्लिशर्स। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इटैलिक्स में लिखने का कोशिश किया है, आप उसको किताब में देख सकते हैं, ज्यादा बेटर ढंग से आपको समझ में आएगा। ट्रिटिकम एस्टिवम जो कि वीट का साइंटिफिक नेम है, एंड ब्रिंजल जो कि सोलेनम मेलोंजेना का
साइंटिफिक नेम है। इसको वास्तव में इटैलिक्स में लिखा जाता है, यानी कि तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का चौथा रूल है जीनस एंड स्पीसीज नेम अंडरलाइन सेपरेटली व्हेन रिटन बाय हैंड्स। फॉर एग्जाम्पल एवल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस, जो कि ओकरा का साइंटिफिक नेम है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जीनस भी एंड स्पीसीज दोनों अंडरलाइन किया गया है। उसी तरीका से जी मेज या जिया मेज, मेज का साइंटिफिक नेम है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि दोनों, चाहे वो जीनस नेम हो और चाहे वो स्पीसीज नेम हो, दोनों अंडरलाइन किया गया है। तो जीनस एंड स्पीसीज नेम हमेशा जब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हाथ से लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन किया जाता है। पांचवा रूल है सेपरेट नेम्स शुड बी गिवन टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसीलिए ICBN और ICZN की व्यवस्था की गई है कि जब भी नामकरण किया जाए तो एनिमल और प्लांट्स का नाम अलग अलग हो, उसमें कोई सिमिलारिटी ना हो। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए सोलेनम ट्यूबरोसम, जो कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम है इन केस ऑफ प्लांट्स, एंड लेथायरस सटाइवस, जो कि खेसारी का साइंटिफिक नेम है, कैनिस फैमिलियरिस डॉग का साइंटिफिक नेम है, और फेलिस कैटस कैट का साइंटिफिक नेम है। ये आप देख रहे हैं कि पोटैटो, खेसारी, डॉग एंड कैट एकदम सेपरेट नामकरण किया गया है, इसमें कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। इसी तरीका से सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिफरेंट नाम दिया गया है। अगला रूल है द ऑथर नेम इज प्रिंटेड आफ्टर स्पीसीज नेम इन रोमन विदाउट द यूज ऑफ कॉमा। फॉर एग्जाम्पल पाइसम सटाइवम लिन और पाइसम सटाइवम लिन। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ऑथर का नाम है बिना कॉमा या किसी स्पेशल कैरेक्टर के, यहाँ पर या तो एक लेटर दिया गया है या लिन LINN दिया गया है। दोनों सही है, कुछ भी लिखा जा सकता है। एक एक सिंपल कैपिटल लेटर में इनिशियल लेटर लिखा जाता है, या इस तरीका से दोनों का मतलब है लिनियस, यानी कि लिनियस ने इसका नामकरण किया है पाइसम सटाइवम का, इसीलिए पाइसम सटाइवम लिन का इस तरीका से रोमन में विदाउट किसी स्पेशल कैरेक्टर के नामकरण किया जाता है। अगला रूल है टू स्पीसीज नेम नेवर बी सेम विद इन जीनस, यानी कि एक जीनस के अंदर में दो स्पीसीज नेम कभी भी समान नहीं हो सकता है। जैसे कि विग्ना रेडियाटा, जो कि आप देख रहे हैं ये मूंग का साइंटिफिक नेम होता है विग्ना रेडियाटा, और यहाँ आप देखेंगे कि जीनस क्या है, विग्ना है। उसी तरीका से अगर विग्ना मूंगो की बात करें, जो कि उर्द का साइंटिफिक नेम होता है, विग्ना मूंगो का भी जो जीनस है वो विग्ना है। यानी कि आप देख रहे हैं कि एक जीनस में जो विग्ना जीनस है उसमें जो स्पीसीज है ये रेडियाटा स्पीसीज है और ये मूंगो स्पीसीज है, यानी कि दोनों का स्पीसीज सेपरेट है। अगला रूल है टू जीनस नेम नेवर बी सेम इन द किंगडम प्लेंटी और किंगडम एनिमेलिया। जस्ट लाइक जो हमने प्रीवियस रूल को देखा, उसी तरीका से एक किंगडम में, चाहे वो प्लेंटी किंगडम हो या एनिमेलिया किंगडम हो, जीनस का नेम कभी भी समान नहीं हो सकता, यानी कि जीनस का नेम हमेशा अलग अलग होगा। अगला रूल है द जीनस एंड स्पीसीज नेम शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज। ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार जीएस के रूप में पूछ दिया जाता है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो मुख्य रूप से लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों किया जाता है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज डेड लैंग्वेज है, और इस कारण से इन दोनों लैंग्वेज के वर्ड का मीनिंग चेंज होने का कोई चांस रही नहीं जाता है। यही कारण है कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं ICBN एवं ICZN का एक स्पेशल रूल है। इस स्पेशल रूल को कई बार एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है, यानी कि जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, इसमें कुछ स्पेशल रूल फॉलो किए जाते हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख स्पेशल रूल है टोटोनिम का। और टोटोनिम कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखने की जरूरत है टोटोनिम होता क्या है। तो
व्हेन एन इंडिविजुअल हैविंग सेम जीनस एंड स्पीसीज नेम दिस कंडीशन इज नोन एज टोटोनिम। कहने का मतलब है कि जब किसी इंडिविजुअल या किसी जीव का नामकरण किया जाता है और उसमें जीनस और स्पीसीज दोनों अगर सेम होता है तो उसको टोटोनिम के श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन आईसीबीएन के कंडीशन में यानी कि बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के केस में टोटोनिम नहीं पाया जाता है और ये केवल जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के केस में ही टोटोनिम का कॉन्सेप्ट आता है। हम लोग को ये क्लियरली समझना होगा कि टोटोनिम केवल इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के केस में एक्सेप्टेबल है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के केस में टोटोनिम का रूल अलाउ नहीं होता है। एग्जाम्पल्स के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं कटला कटला, ये कतला फिश का साइंटिफिक नेम है, रैटस रैटस ब्लैक रैट का साइंटिफिक नेम है, नाजा नाजा इंडियन कोबरा का साइंटिफिक नेम है, एंड गोरिल्ला गोरिल्ला वेस्टर्न गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो जीनस है एंड ये स्पीसीज है, ये सभी जो यहाँ पर दिखाए गए हैं इन सारे में जीनस एंड स्पीसीज एक ही है, यानी कि ये सारे टोटोनिम को रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पर आधारित कई एमसीक्यू बन सकते हैं जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज, और आपके ऑप्शंस है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर या ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हमको स्पष्ट है कि इसका सही आंसर होगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दूसरा क्वेश्चन है विग्ना मुंगो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, पहला ऑप्शन है मूंग, दूसरा ऑप्शन है पी, तीसरा ऑप्शन है उर्द एंड चौथा ऑप्शन है खेसारी। और हम लोगों ने पढ़ा था कि विग्ना मुंगो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ उर्द एंड मूंग का साइंटिफिक नेम एक्चुअली विग्ना रेडियाटा होता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन जीनस एंड फैमिली, जीनस एंड किंगडम, जीनस एंड ऑर्डर एंड चौथा ऑप्शन है जीनस एंड स्पीसीज। और आप जानते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जीनस एंड स्पीसीज पर बेस्ड होता है, तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि जीनस एंड स्पीसीज। चौथा क्वेश्चन है इन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट्स, और आपके ऑप्शन है स्पीसीज, जीनस, फैमिली एंड वेराइटी। और इसका सही आंसर होगा जीनस, क्योंकि इसका जो फर्स्ट नेम होता है जीनस होता है और सेकंड नेम स्पीसीज का होता है। पांचवा क्वेश्चन है स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज प्रपोज्ड बाय, पहला ऑप्शन है लेमार्क, दूसरा मेयर, तीसरा लिनियस एंड चौथा डार्विन। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि लिनियस। अगला क्वेश्चन है विच बुक इज आर रिटन बाय लिनियस, और आपके ऑप्शन है सिस्टेमा नेचुरी, फिलोसोफिया बोटेनिका, स्पीसीज प्लैनेटेरियम, ऑल ऑफ द एबव। आप जान रहे हैं सिस्टेमा नेचुरी भी कैरोलस लिनियस ने लिखा था, फिलोसोफिया बोटेनिका को भी लिखा है एंड स्पीसीज प्लैनेटेरियम को भी कैरोलस लिनियस ने लिखा है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस चैनल पर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स और अन्य सामान्य विज्ञान से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि BCECE, ICAR, CDS, NDA, SSC, BPSC, UPSC, रेलवे और डिग्री एग्जामिनेशन जैसे कि BSc बॉटनी, BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि के सिलेबस पर आधारित होंगे। तो चैनल को विजिट करिए और प्लेलिस्ट से अपने पसंद का वीडियो देखकर विज्ञान के प्रति अपना नजरिया बढ़ाइए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें और देखते रहे स्टडी साइंस विद डॉक्टर AK सहनी। थैंक यू टू स्टे विथ अस।